हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सबको ऐसे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बोलने मुझे भी गलती हो जाए तो माफ करिएगा। फैट चुका धन्य कर गए फ्रेंड। तो फ्रेंड आज मैं आ गई हूँ किनाक वीडियो के साथ और आप लोग वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। तो मैं आज मतलब एक नया प्लांट लेकर आई हूँ, तो उसके बारे में है हार श्रृंगार यानी पारिजात का प्लांट है, तो उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा। तो फ्रेंड मेरे छोटे पॉट में लगा है, तो उसको मैं एक बड़े नर्सरी पॉट में लगा है, तो उसको मैं बड़े पॉट में लगाने वाली हूँ और आप लोग जानते हैं इस प्लांट के बारे में ही। तो चलिए मैं वीडियो को आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये फ्रेंड ये मेरा हर श्रृंगार का प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग के लिए देखिए बड्स भी लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। तो आज मैं इसको चेंज करने वाली हूँ, एक बड़े पॉट में लगाने वाली हूँ, इस पॉट में लगाऊंगी फ्रेंड। इसके फ्लावर इतने खुशबूदार, इतने खुशबू कि पूछो ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इसके फ्लावर, इसके पत्तियाँ फ्रेंड बहुत ही काम की और बहुत ही फ़ायदेमंद। जो भी जानते हैं ना, तो इनके फ्लावर कहते हैं उबाल करके पानी में और जब पीते हैं और कहीं सारी बहुत सारी चीज़ों में इसके फ्लावर लगते हैं। तो आप लोग मेरी ये वीडियो को देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको अब पहली बार अपने गार्डन में ऐड किया हुआ है परिजात का प्लांट को। तो आप लोग इस वीडियो को मेरे ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इसके गुण सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर नहीं लगाए हैं ना, तो ये प्लांट आप लोग अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा, ज़रूर से लगाइएगा फ्रेंड। बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही फायदेमंद। इसको इस पॉट से निकाल लेती हूँ, निकालने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। इस तरह धीरे से इसकी जड़ों को न डिस्टर्ब करते हुए आप लोगों को निकाल लेना है और इसको हमें बड़ा ही पॉट देना है ताकि ये अच्छे से ग्रोथ करे और अच्छे से फ्लावरिंग करे फ्रेंड। तो इसको थोड़ा बड़ा ही पॉट देना चाहिए और हो सके तो मिट्टी के गमले में लगा दें, फिर जो भी है उस गमले में आप लगा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के पौधे में यह है कि प्लांट ख़राब नहीं होते कभी भी, चाहे जितनी गर्मी हो, क्योंकि मिट्टी का प्लांट जो होता है पॉट वो गमला ठंडक देता है। तो फ्रेंड मैं इसको निकाल के फिर दिखाती हूँ। तो मैंने इसको निकाल लिया फ्रेंड। अब मैंने इसमें से कुछ नीचे पत्तियाँ डाली हुई है और देखिए मैं अपनी ये डाली हूँ मिट्टी इसमें, इस पॉट में लगाऊंगी। तो इस तरह से आप भी फ्रेंड इसको लगाएं ताकि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर सके और अच्छे से इसकी ग्रोथ हो सके। तो इस तरह से आप भी इसको लगा दीजिए करके, इस तरह से आप लोगों को धर देना इसमें ऐसे करके और धीरे से चारों तरफ से मिट्टी डाल देनी है फ्रेंड। इस तरह से लगा देना है आपको। ये मेरा प्लांट लग के रेडी हो गया। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बताइएगा। मेरा ये प्लांट है ना एकदम हेल्दी और स्वस्थ, आप भी ज़रूर लगाइएगा अपने घर में। ये परिजात का पौधा अपने गार्डन में अपने घर में ज़रूर लगाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है फ्रेंड सेहत के लिए और इसके फ्लावर बहुत ही खुशबू देते हैं और जब भी खिलते हैं बहुत ज़्यादा खिलते हैं और भगवान को भी चढ़ाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है फ्रेंड। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही इसमें जल्दी, तो आप लोग चाय पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर करें फ्रेंड। मैं हमेशा जो भी प्लांट में मेरे फ्लावरिंग नहीं होती, मैं हमेशा चाय पत्ती का ही इस्तेमाल करती हूँ और फ्लावर से मेरा प्लांट भर जाता है। जो भी पौधा होता है मैं चाय पत्ती ज़रूर डालती हूँ। और ये छोटे छोटे जो निकले हुए हैं ना, ये हैं मेरे बीज उगे हैं पिटूनिया के, तो मैं इनको भी साइड साइड दबा दे रही हूँ। जब ये थोड़ी बड़े होंगे तो फिर मैं इनको दूसरे पॉट में लगा लूँगी, इसलिए मैंने इनको भी ऐसे ही साइड साइड दबा दे रही हूँ। लग जाएंगे तो अच्छी बात। ये देखिए छोटे छोटे से जमे थे तो मैंने इसमें, ये देखिए चार पौधे इसमें लगा दिए और ये छोटा सा इसको भी यहीं पे लगा दे रही हूँ। दिल और ये कि ये मेरी कटिंग है, तो ये कटिंग भी मैं यहीं पे लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से मेरा ये प्लांट लग गया। और कैसा लगा आप लोग कमेंट बताइए, अच्छा लग रहा है मेरा प्लांट कि नहीं,
और देखिए फ्लावर जब आएगा तो मैं आप लोगों को फ्लावर भी इसके दिखाऊंगी। इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत और वाइट और बीच में ऐसे रेड होता है और बहुत अच्छा खिलता है, बहुत अच्छी खुशबू है फ्रेंड। तो बाय बाय, लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड, बाय बाय।